राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, आज गुरुवार के दिन मैं आपके लिए लाई हूँ भगवान विष्णु की स्तुति। भगवान विष्णु की स्तुति को धर्मात्मा सुव्रत ने भगवान विष्णु के समर्पित होकर उनके लिए की। बंधुओं, धर्मात्मा सुव्रत की माता जब उन्हें खाना खाने के लिए कहती तब वह अपनी माँ को उत्तर देते कि माँ, भगवान का ध्यान महान अमृत के तुल्य है, मैं उसी से तृप्त रहता हूँ, मुझे भूख नहीं सताती। भोजन के आसन पर बैठकर जब वह अपने सामने मिष्ठान परोसा हुआ देखते तब वह कहते इस अन्न से भगवान श्री विष्णु तृप्त हों। वह धर्मात्मा बालक जब सोने के लिए जाता तब वहाँ श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए कहता मैं योग निद्रा प्रायण भगवान श्री कृष्ण की शरण में आया हूँ। इस प्रकार भोजन करते, वस्त्र पहनते, बैठते और सोते समय भी वह श्री वासुदेव का चिंतन करता और उन्हीं को सब वस्तुएं समर्पित कर देता। धर्मात्मा सुव्रत युवा अवस्था आने पर काम भोग का परित्याग करके वैडूर्य पर्वत पर जा भगवान विष्णु के ध्यान में लग गया। वहीं उस मेधावी ने श्री विष्णु का चिंतन करते हुए तपस्या आरंभ कर दी। तभी उसने अपने मन को एकाग्र करके भगवान विष्णु के साथ जोड़ दिया और भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ उसके सामने प्रकट होकर बोले धर्मात्मा सुव्रत ध्यान से उठो, तुम्हारा कल्याण हो, मैं विष्णु तुम्हारे पास आया हूँ, मुझसे वर मांगो। मेधावी सुव्रत भगवान विष्णु के वचन सुनकर अत्यंत हर्ष में भर गए। उन्होंने आंखें खोलकर देखा जनार्दन सामने खड़े हैं। फिर तो दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुनें। सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान, जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। बोलो विष्णु भगवान की जय, माँ लक्ष्मी की जय। सुव्रत बोले जनार्दन, यह संसार समुद्र अत्यंत गहरा है, इसका पार पाना कठिन है। यह दुखमयी लहरों और मोहमयी भांति भांति की तरंगों से भरा है। मैं अत्यंत दीन हूँ और अपने ही दोषों तथा गुणों से, पाप पुण्यों से प्रेरित होकर इसमें आ फंसा हूँ। आप मेरा इससे उद्धार कीजिए। कर्म रूपी बादलों की भारी घटा घिरी हुई है जो गरजती और बरसती भी है। मेरे पातकों की राशि विद्युलता की भांति उसमें थिरक रही है। मोह रूपी अंधकार समुद्र से मेरी दृष्टि विवेक शक्ति नष्ट हो गई है। मैं अत्यंत दीन हो रहा हूँ। मधुसूदन, मुझे अपने हाथ का सहारा दीजिए। यह संसार एक महान वन है, इसमें बहुत से दुखी वृक्ष रूप निस्थित हैं। मोह रूपी सिंह इसमें निर्भय होकर निवास करते हैं। इसके भीतर शोक रूपी प्रचंड दावानल प्रज्वलित हो रहा है जिसकी आंच से मेरा चित संतप्त हो उठा है। कृष्ण, इससे मुझे बचाइए। संसार एक वृक्ष के समान है, यह अत्यंत पुराना होने के साथ बहुत ऊंचा भी है। माया इसकी जड़ है, शोक और नाना प्रकार के दुख इसकी शाखाएं हैं। पत्नी आदि परिवार के लोग पत्ते हैं, इसमें अनेक प्रकार के फल लगे हैं। मुरारे, मैं इस संसार वृक्ष पर चढ़कर गिर रहा हूँ। भगवान, इस समय मेरी रक्षा कीजिए, मुझे बचाइए। कृष्ण, मैं दुख रूपी अग्नि, विविध प्रकार के मोह रूपी धुएं और वियोग, मृत्यु और काल के समान शोकों से जल रहा हूँ। आप सर्वदा ज्ञान रूपी जल से सींचकर मुझे सदा के लिए संसार बंधन से मुक्त कर दीजिए।
कृष्ण, मैं मोह रूपी अंधकार राशि से भरे हुए संसार नामक महान गड्ढे में सदा से गिरा हुआ हूँ, दीन हूँ, भय से अत्यंत व्याकुल हूँ। आप मेरे लिए नौका बनाकर मुझे उस गड्ढे से निकालिए, वहाँ से खींचकर अपनी शरण में ले लीजिए। जो संयमशील हृदय के भाव से युक्त होकर अनन्य चित्त से आपका ध्यान करते हैं, वे आपकी पदवी को प्राप्त हो जाते हैं। जो देवता और किन्नरगण आपके दोनों परम पवित्र चरणों को प्रणाम करके उनका चिंतन करते हैं, वे भी आपकी पदवी को प्राप्त होते हैं। मैं ना तो दूसरे का नाम लेता हूँ, ना दूसरे को भजता हूँ, ना दूसरे का चिंतन ही करता हूँ, नित्य निरंतर आपके युगल चरणों को प्रणाम करता रहता हूँ। इस प्रकार मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए, मेरे पातक समूह शीघ्र दूर हो जाएं, मैं नौकर की भांति जन्म जन्म आपका दास बना रहूं। भगवान, आपके युगल चरणों को सदा प्रणाम करता हूं। श्री कृष्ण, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मुझे ये उत्तम वरदान दीजिए, मेरे माता पिता को सशरीर अपने परम धाम में पहुंचाइए, मेरे ही साथ मेरी पत्नी को भी अपने लोक में ले चलिए। श्री हरि बोले, ब्रह्मन, तुम्हारी यह उत्तम कामना अवश्य पूर्ण होगी। इस प्रकार सुव्रत की भक्ति से संतुष्ट होकर भगवान श्री विष्णु उन्हें उत्तम वरदान दे दहा और प्रलय से रहित वैष्णव धाम को चले गए। सुव्रत के साथ ही सुमना और सोम शर्मा भी बैकुंठ धाम को चले गए। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।